का आज लगातार सातवां दिन था, तो आज क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ और आगे क्या रणनीति है, इस पर हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ, विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए आज फिर से दूसरा बार लगातार शिक्षकों के लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि पिछले बृहस्पतिवार को जो एक बढ़िया स्टार्ट कोर्ट में समान काम समान वेतन बिहार के सभी भाई बहन को दिलाने के लिए देश के नामचीन वरीय अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम साहब ने हम लोगों के पक्ष में किया था, उसी एक सही दिशा में जो उन्होंने कोर्ट को उस दिन ले गया, उनको 55 मिनट का समय मिला था और 55 मिनट में इस सरकार के सभी झूठों को झूठ का क्योंकि ऊपर से पर्दा उठाते हुए एक दिशा कोर्ट को दे दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उसी सही दिशा पर आज फिर से एक हमारे जो कैबिनेटर हैं उनके द्वारा जो इंगेज किए गए थे देश के बड़े अधिवक्ता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब, उसी दिशा को आज पुनः आगे बढ़ाए हैं, तो आज पुनः एक बार सही दिशा में कोर्ट आगे बढ़ा और उसमें जो है सबसे बड़ा उन्होंने बात जो बीत के कल भी शाम में हमको बिहार से टेलीफोन आया था जिसमें लोग चिंतित थे कि क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं क्या वित्त पे सरकार जो है कोर्ट को समझा ली, हम लोग को बहुत दिक्कत, ऐसा कोई बात नहीं, हम कल भी उनको कहे थे चिंता मत कीजिए, वो सरकार का अपना था, हम लोगों का जब बारी आएगा तो हम लोगों के तरफ से भी बड़े बड़े अधिवक्ता हैं सब अपनी बात को रखेंगे। आज कपिल सिब्बल साहब ने यह क्लियर कर दिया कोर्ट में कि सरकार बिहार सरकार के तमाम अधिवक्ता वित्त के मामले में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने झूठ तथ्य रखा है, मिसलीड कोर्ट को किया है, उन्होंने स्पष्ट पीएबी के रिपोर्ट के आधार पर यह साबित किया है कि बिहार को समान काम समान वेतन लागू करने के लिए मात्र 4,000 करोड़ के आसपास जाएगा, 28,000 करोड़ का बात कहके हाइप क्रिएट किया जा रहा है, यह कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है, यह बात आज इस्टेब्लिश उन्होंने करने का प्रयास किया है कोर्ट में और जज साहब सहमत भी रहे हैं इससे। इसके अलावा उन्होंने कई तथ्य को रखा, काफी अच्छा ढंग से उन्होंने रखा है, इसलिए बिहार के शिक्षक भाई बहन को यह कहीं चिंता का बात नहीं, हम लोगों का जो पिछले बृहस्पत को सी आर्यमा सुंदरम ने एक सही दिशा दिया कोर्ट को, उस दिशा में आज दूसरे दिन भी शिक्षकों की ओर से बहस हुआ और कोर्ट को एक सही दिशा में पुनः ले जाने का प्रयास किया गया है। आगे फिर से सुंदरम साहब का जैसे कल हमारे ओआर साहब बता रहे थे कि कल ही शाम में सभी वरीय अधिवक्ता के कार्यालय से एक दूसरे से बात करके यह तय कर लिया गया था कि आज सिब्बल साहब बात रखेंगे अपना, तो यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है कि सुंदरम साहब उस दिन रखे तो आज भी वही कंटिन्यू करेंगे, कोई दूसरे अधिवक्ता को मौका नहीं दिया जाएगा, सब सिब्बल साहब की तरफ से यह बात आया तो उनको भी हम लोग सहर स्वीकार करके उनको मौका आज मिला और उन्होंने दूसरे दिन भी अच्छा स्टार्ट किया है, वित्त के मामले पर क्लियर कर दिया सरकार को कि सरकार बहानाबाजी कर रही है, आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, फंड का कोई कमी नहीं है, फंड का कोई मतलब ही नहीं है समान काम समान वेतन से, क्योंकि बहुत छोटा सा बजट का बोझ सरकार पर पड़ रहा है जो आसानी से सरकार दे सकती है, यह बात से कोर्ट भी सहमत है, इसलिए आगे फिर बृहस्पति को दूसरा डेट कल 15 अगस्त है और 16 अगस्त को पुनः कोर्ट में सुनवाई हम लोग का होगा, आज शाम तक लिस्ट आ जाएगा तो 16 को क्या कैसे शेड्यूल होगा, कौन से अधिवक्ता बात रखेंगे, एक बार फिर से सर्वसम्मति से तय कर लिया जाएगा, सुंदरम साहब जहां पे अपना बहस छोड़े हैं उसके आगे पुनः बहस रखेंगे, बहस करेंगे और आपके पक्ष में जो बातें रह जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने जिस दिन सुंदरम साहब बहस किए तो तमाम वो एविडेंस जो सुंदरम साहब और हमारे पूरे एओआर अजय बाबू के नेतृत्व में तैयार किया गया था, पूरे न्यायिक संघर्ष के साथी के द्वारा जो एविडेंस तैयार किया गया था, उस सारे एसोसिएशन के अधिवक्ता को हम लोग दे दिए थे कि यह जीतना है केस, हमारे द्वारा तैयार किया गया कुछ प्रमाण है तो सबके बीच में सर्कुलेट कर दिया गया कि सब लोग इसका लाभ लीजिए और सब लोग अच्छा से अच्छा बहस करके बिहार के चाहे कोई भी शिक्षक हो, नए शिक्षक हो, पुराने शिक्षक हो, टेट पास हो, दक्षता पास हो, सभी के लिए समान रूप से समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट से उसका आदेश पारित कराना ही हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए बिना वजह का भ्रम का स्थिति ना पाले, ना अफवाह में कोई लोग जाए और ना ही किसी के सुनी सुनाई बात पे रहे, हम कोर्ट रूम से निकल के या सीधा स्टेटमेंट बिहार के भाई बहन को दे रहे हैं कि आज का बहस दूसरे दिन जो शिक्षकों के पक्ष में रखा वह काफी सार्थक रहा और काफी एक सही दिशा में चला, इसलिए भ्रम का स्थिति ना पाले, सब एक दूसरे का हौसला बनाए और अपने अधिवक्ता को अधिक से अधिक साक्ष्य के साथ तैयार करके कोर्ट रूम में उपस्थित कराने का कृपा करें, धन्यवाद।